केटीएन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नमस्कार, केटीएन खिलाफत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, आपको बता दें कि वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना तलबे जवाद ने हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन अथवा जिलाधिकारी के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है जिसमें कोरोना महामारी के नाम पर ऐतिहासिक इमामबाड़ा आसफी और छोटे इमामबाड़े को टूरिज्म के लिए खोला जाना है। मौलाना ने कहा कि इमामबाड़े की तामीर आज़ादारी के लिए की गई और आज़ादारी की अनुमति दिए बगैर इमामबाड़े में पर्यटकों के प्रवेश की अनुमति देना शिया समुदाय के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने जैसा लग रहा है। मौलाना करने जवाब ने कहा कि प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग लगातार हमारी भावनाओं को आहत करने वाले निर्णय ले रहे हैं। मौलाना ने कहा कि हमारी कौम एक जिम्मेदार कौम है, उसने कोरोना महामारी पर पूरे देश में मुहर्रम पर हर तरह का सहयोग दिया, लेकिन इस प्रकार से इमामबाड़े में आजादारी के रसूमात को रोका गया तो लोगों के जज्बात को काबू करना हर किसी के लिए मुश्किल होगा। मौलाना ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना, इमामबाड़ा खोलने के साथ साथ मजलिस और मातम की भी इजाजत दी जाए, और अगर सरकार सिर्फ पर्यटकों के लिए इमामबाड़ा खोल रही है तो हम सरकार की इजाजत के बगैर मजलिस और मातम करेंगे। मौलाना ने प्रशासन को चेताया कि वो इमामबाड़े में आजादारी की पूरी इजाजत दे और जिसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी मानकों को पूरा करते हुए निभाया जाएगा। क्या कर रहे हो यार तुम? सबसे पहले तो अपनी तरफ से हमारे यहाँ पर सभी तरफ से आप तमाम जो मीडिया पर शुक्रिया या मजा लिया जाए ताकि हमारी बात जो है वो दुनिया तक आप पहुँचा सकें, क्योंकि हमें अखबार के लिए सिर्फ इतला मिली है कि ये बड़े इमामबाड़े छोटे इमामबाड़े को सयाहों के लिए खोला जा रहा है, पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। हमने डीएम साहब को रात में कई मरतबा फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं पा रहा। हमारे पास आप लिखा भी सकते बाप को कि हम लोग ने फोन किया, लेकिन पूरी घंटी चली गई क्योंकि हम फोन उठा रहे। तो हम उनके से ज़्यादा क्लियरफिकेशन चाहते थे भाई क्या उसने आपकी सूरत हाल, लेकिन उन्होंने उनका फ़ोन नहीं उठा दे रखो, पेपर के जरिए से अखबारों के जरिए से मालूम हुआ कि ये खुल रहा है। मसला ये है कि यहाँ मजलिसें बंद हैं, मजलिसें मना है यहाँ, और पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मजलिसें होती थी, 10 की 10 से एक भी मजलिस नहीं करवाई, एक आदमी की भी मजलिस नहीं हुई, एक आदमी से भी नहीं हुई, 5 आदमियों के साथ अलाउ कर दी गई थी बड़े ब्रह्मा से तारीख में नाजिया वाला ने 5 अलाउ की गई, वो भी हमने जब अपना प्रदर्शन किया था तब अलाउ हुई थी, पे अलाउ नहीं हुई थी प्रदर्शन के बाद अलाउ हुई, और यहाँ एक आदमी से भी उन्हें अलाउ नहीं, जबकि इमामबाड़े जब बने हैं वो मजलिसों के लिए बने हैं। ये पर्यटक बहुत साफ पर्यटक के लिए इमामबाड़ा नहीं बना है, टूरिस्ट के लिए इमामबाड़ा नहीं बना है। मंदिर काहे के लिए बनता है? टूरिस्टों के लिए बनता है। मस्जिद काहे के लिए बनती है? बाहर से लोग आके तमाशा देखें, इसलिए बनती है मस्जिद। मंदिर मस्जिद का मकसद होता है कि अल्लाह की इबादत की जाए, इमामबाड़े बनते हैं मजलिसें की जाए, इमाम हुसैन का गम मनाया जाए और तमाम जो मजहबी जितने भी मरासिम में सब अदा किए जाए। इमामबाड़े से ही बनता है, इमामबाड़ा पर्यटकों के लिए बना था, कहीं आसिफ उद्दौला की कोई भी आप बिल दिखा दीजिए क्योंकि पर्यटकों के लिए बना रहे हैं उसको, इसको हम सयाहों के लिए बना रहे हैं, उसमें ये मिलेगा कि मजलिस हो गई यहाँ पर, वहाँ ये मिलेगा मातम होगा यहाँ पर, वहाँ होगा आज़ादारी इमाम हुसैन यहाँ पर, मजहबी प्रोग्राम यहाँ पर होंगे, ये सब आपको मिल जाएगा उनके लिए। ये नहीं मिलेगा कि पर्यटकों के बना रहे हैं, सयाहों के बना रहे हैं, टूरिस्टों के बना रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कि मजलिस नहीं हो सकती, टूरिस्ट आके यहाँ के तमाशा देखें और वो आदि में की औरतें आएँ और यहाँ के ऊपर जाकर वो अपनी बदमाशियाँ बदतमीजियाँ करें, इसलिए क्योंकि इस पर मजलिस से उनको पैसे नहीं मिलेंगे, इससे पैसे मिलेंगे, उनकी आमदनी रुकी हुई है, सरकारी अफसरों की बहुत बड़ी आमदनी, हम लोग आज तक नहीं मालूम कि इसकी आमदनी कितनी है, आज तक नहीं मालूम कि ट्रस्ट का खर्च कितना है, और 20 साल से अफसरों ने इसका कोई ऑडिट नहीं करवाया, ना हिसाब दिया है, और हमने हमारे पर लेटर समझदारी से के लेटर मौजूद है, हमने डीएम साहब को लेटर भेजा कि यहाँ के बारे बताइए कितना आमदनी कितना खर्च है, तो उन्होंने कहा ये प्राइवेट ट्रस्ट है, हम आरटीआई के अंडर में नहीं आते,
ये मेरे पास उसका जवाब महफूज है ए टी एम साहब का कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है, हम इसको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है आर टी आई। अरे डी एम साहब के पूर्वजों ने ये बनवाया था मामला, इसलिए प्राइवेट ट्रस्ट उनका तभी तो ठहरेगा, जब उनके पूर्वज बनवाएंगे तभी तो प्राइवेट ट्रस्ट होगा। तो जितने डी एम आते हैं ए टी एम आते हैं, सबके पूर्वजों ने ये मामले बनवाए हैं, इसलिए उनके प्राइवेट ट्रस्ट। तो ये उन्हीं ने हमें जवाब दिया, हमारा प्राइवेट ट्रस्ट है, इसलिए हमें तो आर टी आई में जवाब कुछ नहीं पता कि इनकी आमदनी आप कब पता चला आमदनी कैसे, कि जब हमने एक महीने के लिए बंद करवाया और जब यहाँ तालेबंदी हो गई तब उस वक्त सरकारी अफसर किसके बयान आया था मुझे नहीं याद, के डी एम सी डी एम साहब किसका बयान था, उनका बयान आया था कि 5 लाख रुपए रोज़ का हमारा नुकसान हो रहा है। ये सरकारी अफसर का बयान उस वक्त आया था जब हमने यहाँ पर तालाबंदी की थी और कहा था यहाँ जो नेकेड हाफ नेकेड औरतें आती हैं उनको बंद किया जाए और उनके सरों पर दुपट्टा डाला जाए, कि जैसे कि और मंदिरों में जैसे कि वहाँ होता है सिखों का जो गुरुद्वारा है और मंदिर में जैसे टेम्पल में होता है जैसे जैसे जामा मस्जिद में होता है देखी, तो अपने तालाबंदी की उस वक्त उनका बयान आया था सरकारी अफसर का कि 5 लाख रोज का नुकसान हो रहा है। अब अंदाजा कीजिए कि महीने में कितना हुआ, साल में कितना हुआ, साल लगाइए 1.5 करोड़ का महीना, 1.5 करोड़ रुपए महीना, साल में कितना हुआ 18 करोड़ रुपए सालाना। ये मेरा बयान नहीं है, सरकारी बयान है, ये 18 करोड़ कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं ये 18 करोड़। सिर्फ यही नहीं, ये गोलदरवाजे पे जितनी इमारतें नहीं बननी है सब नाजायज बनी है। आप उससे पूछिए कि जो एग्रीमेंट है वो कहाँ है, इस एग्रीमेंट के ऊपर ये गोल दरवाजे पर इमारतें बनी है, वो एग्रीमेंट कहाँ है, जो क्या कहते हैं उसको 90 साल की जो लीज होती है, लीज एग्रीमेंट मांगी है उससे। आप लोग खाली जो है वो इतने हर चीज़ के ऊपर आप लोग जो है वो तरदीद करते हैं, तो कम से कम इसको भी कभी पूछ लीजिए कि लीज एग्रीमेंट कहाँ है। क्योंकि एक पैसा किसी वक्त के जितनी भी चीज़ें हैं किसी पर भी अमल नहीं हो रहा, तबरुक उन्हें बहाना मिल गया, तबरुक बांटना बंद कर दिया, फिर मजलिस नहीं हो रही है, तबरुक तो बढ़ सकता है गरीबों को। रमज़ान के लिए हमने कहा कि गरीबों को आप जो है वो बांटिए, वो जो इफ्तारी के लिए आता है 15-20 लाख कितना कट, काम में कहा कि आप राशन बांटिए, डी एम साहब को लिखित पे दिया, सबको दिया, उन्हें लिस्ट ली तकरीबन 1500 लोगों की लिस्ट हमने दी, एक पैसे का राशन नहीं बांटा गया, सब खा गए। 1500 लोगों की लिस्ट, 1500 लोगों की लिस्ट हमने दी उनको, ये गरीब लोग हैं। अपने कहा कि अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है तो अपने आप अपनी लिस्ट बनाइए, अपनी लिस्ट बनाइए और गरीबों को बांटिए, और रमज़ान की इफ्तारी होती है, एक पैसा नहीं बांटा, सब खा गए। आप लोग कभी कभी कुछ सच्चे अच्छे सवाल भी कर लिया कीजिए। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, हम सरकार से कहेंगे कि पहले हमने डिमांड रखी है कि इसमें शिया कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया जाए, किस कम्युनिटी में, ट्रस्ट में, सब सरकारी अफसर है, भ्रष्ट सरकारी अफसर सब, जिनको जिनका काम ही खाना पीना और गड़बड़ी करना है, भ्रष्टाचार करना है। तो इस मामले को लेकर कभी सरकार से आपकी वार्ता हुई, 50 मरतबा होगी, एक दफा नहीं 50 मरतबा, वहाँ से लेकर मायावती सरकार से लेकर आज की सरकार से। नहीं तो किसको शामिल करने की बात कर रहे हैं आप, भाई कोई नाम दिया आपने, इतनी इतनी कमेटी जैसी थी, इस कमेटी पूरी बनना चाहिए, पहले पूरी कमेटी थी जी, पर्यटकों का आने का इजाजत दी गई है, उसके बाद मजलिसों को बोला गया, उसके बारे में आप क्या कुछ बात है? नहीं कोई इजाजत नहीं, वो लिखित में देने के तैयार नहीं। तो क्या लगता है कि योगी सरकार एक के बाद एक, योगी सरकार एक के बाद एक ऐसे इकदाम उठा रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, उसका विरोध खुलकर क्यों नहीं होता है, सरकार जिस तरह से बार बार कर रही है, खुलकर क्या हुआ कि आप हिसाब से कह रहे हैं, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, जैसे कहा कि हमने अखबारों में पढ़ा, कोई लिखित आदेश नहीं आया और फिलहाल अभी तक खुला भी नहीं है, पर्यटकों के लिए
आप कैसे कह सकते हैं कि वो खोल रहे हैं? हम कैसे ये कह सकते हैं कि अगर वो खोले तो सजा ज्यादा दे, हमारे साथ अगर लगा हुआ है, अगर खोले तो, अगर खोले 24 तारीख से बोला गया अगर सरकार इसकी इजाजत, अगर खोले पर्यटकों के लिए तो मरीजों की भी यहाँ पर पूरी तरह इजाजत होना चाहिए। अगर सरकार इसकी इजाजत नहीं देती तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? उसमें तो यही है कि हम लोग बगैर इजाजत की मदद करेंगे। ये बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग उससे अलग नहीं बनेगी हटकर, उसका डिजाइन उससे अलग नहीं हो सकता। और दो मंजिला बिल्डिंगें बनेगी, दो से तीसरी मंजिल नहीं बन सकती। ये लीज एग्रीमेंट है हमारे पास मौजूद है, उसकी कॉपी। ये इलाहाबाद बैंक की जो बिल्डिंग है बिल्कुल लास्ट बिल्कुल है, कोतवाली के पास, कोतवाली के पास बिल्डिंग है, उस लीज एग्रीमेंट में है कि सब डिजाइन ऐसे ही रहेंगे हर बिल्डिंग के। और कोई भी बिल्डिंग तीन मंजिला नहीं बन सकती, दो मंजिला बनेगी। और देखिए कितने बड़े बड़े मॉल बने हुए वहाँ पर, करोड़ों रुपए उसमें भी कमाए हैं अफसरों ने। माल किसका है? शियो का। और खा कौन रहा है? एक पैसा शियो को नहीं पहुंचता, एक पैसा शियो को नहीं पहुंचता इसका। सब अफसरान खा जाते हैं इसके, करोड़ों करोड़ों रुपए खा जाते हैं। जाके बिल्डिंग इससे पहले जो सेक्रेटरी रह चुके हैं, जाके उनके बगले देखिए, जाके वहाँ गोमती नगर, ये जो उनकी तनख्वाह से 50 गुना ज़्यादा महंगे हैं। पिछले जो अफसर यहाँ रह चुके हैं उनके बगले जाकर आप जाकर देख लीजिए गोमती नगर में, करोड़ों करोड़ों के बगले उनके।